एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी आए। एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की बेटी आए। वो नहीं चाहता उसके घर में एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है वो उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए, उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात को बाहर निकलते हैं तो ही रेप होते हैं, लड़की अगर रात में छोटे कपड़े पहन के घूमती है तो ही रेप होते हैं। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है जब घर में ही 8 महीने की बेटी का बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की हिम्मत ही क्या जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। कल तक जहाँ उसकी किलकारियों से पूरे घर में हलचल थी, मगर आज जब उसे देखा गया वो पूरे खून में लथपथ थी। उसकी आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था तुमने उसे खून से नहला दिया। अरे उसे देख के तो उसकी आत्मा भी डर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। पर ना जाने ये तुम्हारी सोच किस फिराक में बैठी है, शायद तुम भूल जाते हो एक जवान बेटी तुम्हारे घर में भी बैठी है। उसे रोड पे नंगा देख के उसकी वीडियो बना ली जाती है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। पर साहेब वो तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था, एक चुनरी तक नहीं उड़ाई गई। उस दिन मर्द शब्द अपने आप में शर्मिंदा था। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ये कहने में कि अब इन्हें रोका ना गया तो ज्यादा वक्त नहीं है अपनी बहन बेटियों का भी खून बहने में।